सब्सक्राइब कीजिए रूपलाल भाई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि पैसा निकाल ऐप आप लोग कैसे चला सकते हैं, पैसा निकाल ऐप में क्या क्या फंक्शन दिया है हुआ है, क्या फ्यूचर दिया हुआ है इसमें, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। और ये दोस्तों फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, तो चलिए क्या इसके अंदर खूबी है ये आपको हम पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको पैसा निकाल ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल पर। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आपको हम आई बटन पर उसका लिंक दे देंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो फर्स्ट बार लॉगिन करने पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करके यहाँ पर टिक कर देना है। यहाँ पर टिक कर देने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसको ऐसे करके स्वाइप कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कमीशन दिया हुआ है, जैसे यह नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे 5 ट्रांजेक्शन कीजिएगा, तो डेली अगर 5 ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो मंथली इनकम आपका होगा 1,350 रुपया, और 10 ट्रांजेक्शन करते हैं तो 2,070 रुपया होगा, 2,700 रुपया होगा मंथली इनकम। आप 50 ट्रांजेक्शन डेली करते हैं तो 13,500 होगा। तो ये फेक है कि सही है ये तो पता नहीं है। और ईयरली इस तरह दिया हुआ है इतना इतना करके। उसके बाद इसको जैसे स्विप कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस आएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देखिए यहाँ बता रहा है कि पैसा निकाल ऐप मोबाइल, यहाँ अपलोड योर आधार कार्ड पैन कार्ड स्टार्ट अर्निंग, 3 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है किसी मोबाइल नंबर से तो उसी नंबर को यहाँ पर डाल दें, यहाँ पर मोबाइल नंबर को डाल देते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन के लिए। यहाँ पासवर्ड देखिए मांग रहा, हम पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा इस तरह आपका लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है आधार नंबर, आधार विड्रॉल, मतलब आप इसमें आधार कार्ड का नंबर डाल के विड्रॉल कर सकते हैं फिंगर बायोमेट्रिक डिवाइस लगा के। यहाँ पर है बैलेंस इंक्वायरी, इसमें बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ है मिनी स्टेटमेंट, अगर किसी बैंक का आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना है तो उसका आधार नंबर डाल के यहाँ मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ माइक्रो एटीएम है, ये माइक्रो एटीएम कंपनी की तरफ से अगर लेना है तो आपको कुछ पेमेंट करना होगा, आपको दे दिया जाएगा। यहाँ है मनी ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र यहाँ कर सकते हैं या मोबी की है। तो देखिए बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस विड्रॉल कैसे किया जाता है, यहाँ पर क्लिक करना है। बैलेंस विड्रॉल में परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है इस तरह से। यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेना है जिस भी बैंक का आपको विड्रॉल करना है। चलिए स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर आधार नंबर डालना है, हम यहाँ कोई भी आधार नंबर डाल देते हैं ऐसे। यहाँ पर कितना अमाउंट आपको निकासी करना है उसको आपको यहाँ डालना है, कितना निकासी करना है। तो चलिए हम 1,000 डाल दिए, यहाँ चेक मार्क कर देना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद फिर कुछ अलाउ मांगेगा, इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपका कौन सा डिवाइस है, यहाँ पर आपका डिवाइस को सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी मेरा पास फ़िलहाल अभी तो यहाँ पर डिवाइस नहीं है, मेरा मर्फो का डिवाइस है लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है, तो हम मर्फो इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्कैन फिंगर पर क्लिक करेंगे तो आपका डिवाइस का जो लाइट है वो जलने लगे, उस पर फिंगर लगा के आपका विड्रॉल हो जाएगा। फर्स्ट में इसका स्टेट बैंक का निकासी नहीं हो रहा था लेकिन अभी निकासी भी हो रहा और बैलेंस इंक्वायरी भी हो रहा, लेकिन इसका स्टेट बैंक का मिनी स्टेटमेंट नहीं निकल रहा है। उसके बाद हम आपको बैलेंस इंक्वायरी करके इसका बता रहे हैं कैसे किया जाता है। तो यहाँ बैलेंस इंक्वायरी पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है कस्टमर का, यहाँ बैंक सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ फिर आपको डिवाइस सेलेक्ट करने बोलेगा, फिर आपका डिवाइस जो भी है वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। उसके बाद स्कैन फिंगर पर क्लिक करना है, आपका फिंगर का लाइट जलेगा, आपको फिंगर लगा देना है, आपका बैलेंस इंक्वायरी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मिनी स्टेटमेंट है, मिनी स्टेटमेंट में भी सेम उसी तरह है, यहाँ मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर
बैंक स्टेट बैंक का नहीं निकलेगा, स्टेट बैंक का बात देखें सभी बैंक का एगो दो गो करके निकलता है, ग्रामीण बैंक का 10 गो ट्रांजेक्शन दिखाता है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है, उसके बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर यहाँ डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद स्कैन फिंगर पर क्लिक करना है, आपका फिंगर कैप्चर हो जाएगा, उसके बाद आपका मिनी स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा। उसके बाद यह माइक्रो एटीएम है, माइक्रो एटीएम तो अभी नहीं है मेरे पास तो ये नहीं चेक करके दिखा सकते हैं। यह मनी ट्रांसफ़र है, मनी ट्रांसफ़र में मोबाइल नंबर कस्टमर का डालना है, उसके बाद यहाँ वेरीफाई प्रोसीड पर क्लिक करना है, ओटीपी वेरीफिकेशन करने के लिए बोलेगा, उसके बाद यहाँ ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी हो जाने के बाद आपको अकाउंट नंबर ऐड करने बोलेगा इस तरह से। उसके बाद ये मोबी की है, इसमें भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद ये वॉलेट हो गया, यहाँ पर देखिए वॉलेट है, इसमें आपका कितना वॉलेट विड्रॉल किए हैं टोटल बैलेंस यहाँ दिखाएगा, यहाँ कैश आउट मतलब निकासी करना है वो दिखाएगा, यहाँ पर आधार कार्ड से कितना पैसा निकाले हैं वो दिखाएगा, यहाँ एटीएम कार्ड से कितना पैसा निकाले हैं वो दिखाएगा, और यहाँ पर अकाउंट हो गया पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ अकाउंट सभी शो होगा। यहाँ पर आपका बैंक का डिटेल्स मतलब जो सेटलमेंट कीजिएगा वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, बैंक अकाउंट डाल के हम कर दिए हैं वेरीफाई, तो यहाँ पर बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर का नाम डाल के यहाँ सेव कीजिएगा तो आपका ओटीपी वेरीफिकेशन करने बोलेगा, वो ओटीपी आएगा जो मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ बैंक में उसमें ओटीपी आएगा, उसको आपको यहाँ डाल देना है तो आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। ये कस्टमर मोबाइल नंबर है कस्टमर केयर का, यहाँ पर आप इनवाइट करके भी पैसा कमा सकते हैं इस ऐप को। यहाँ पर ट्रांजेक्शन जितने आप ट्रांजेक्शन किए हैं वहाँ यहाँ पर आपका शो होगा कितना ट्रांजेक्शन किए हैं, यहाँ से डेट सेलेक्ट करके भी आप निकाल सकते हैं। हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो और हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक